हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एट हायर टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज सिंपली इन दिस क्वेश्चन। तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स भी हम कह सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी हियर व्हिच इज टोटली रिलेटेड विद स्पीड। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो यहां पर ये हमारे पास ग्राफ बनता है, दैट इज बिटवीन हमारे पास जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी होती है दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हमारे पास होंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे होती है स्पीड। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ये हमारे पास ग्राफ होता है। नाउ यहां पे क्या है, यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स लिखा है, दैट इज एक्स एक्सिस। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज द पॉइंट जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, इसके बाद स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज द पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पर क्या है हमारे जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट पर कुछ स्पीड होगी, दैट इज हम यहाँ पे इसकी देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में इस पॉइंट पर कुछ स्पीड है जिसको मैं वी लिख रहा हूं, एंड दिस स्पीड जहां पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है वो जो ज्यादातर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ग्राफ के ऊपर सबसे टॉप पॉइंट जो है वो दर्शाता है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, कि यहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड है। ठीक है, नाउ लेट सी, अगर जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया व्हाट विल गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ग्राफ के अंडर कुछ एरिया होगा, यस वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे पूरा एरिया है। तो एरिया अंडर कर्व, जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है। ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होता है, तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जो चेंज आता है ये जो हमारी पीक है एक तो ये थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और ये हमारा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, बट एरिया अंडर कर्व रिमेन सेम ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारे पास पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैक्सिमम, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर। सपोज कर लेते हैं इस वाले टेम्परेचर को मैं कर रहा हूँ T1, इस वाले को कर रहा हूँ T2। अब T2 जो है वो हमारे पास ज्यादा है बिकॉज आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। T2 जब ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट की मैं वेलोसिटी को बोल लेता हूँ V1, इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं बोल देता हूँ V2। तो एट T2 हमारे पास क्लियरली देख सकते हैं क्या चीज ज्यादा है हमारे पास, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू तो ज्यादा है, बट क्या चीज कम हो गई, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे आप देख सकते हैं डिक्रीज हो गए हैं। सो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज रिड्यूस। अगर हमारे पास स्पीड बड़ी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी, दैट इज ½ mv², यस। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, तो Ke2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी 2 पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी 1। तो ऑप्शन देखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ही हम क्या बात मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, यस सर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर पे। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं होते मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले, ये तो हमारे पास देखिए आप डिक्रीज होगा, पहले इतने ज्यादा लोग थे जिनकी इतनी सही स्पीड थी लेकिन अब देख होगा डिक्रीज होगा, तो ये गलत होगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर, यस ये हम देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, भले ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं बट स्पीड हमारी बढ़ रही। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये भी एकदम सही है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, नहीं हमने देखा है डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रही है। तो द फाइनल आंसर्स आर गोइंग टू बी दी ऑप्शन नंबर ए एंड सी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।